कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने कॉल सेंटर संचालक कंपनी की सेवा लेने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। इसीलिए होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के इलाज में कॉल सेंटर की मदद ली जाएगी। इसके लिए घर में मरीजों की देखभाल में अनुभव रखने वाली कॉल सेंटर संचालक निजी एजेंसियां इसमें हिस्सा ले सकती हैं। 30 दिसंबर तक निजी एजेंसियां आवेदन दे सकती हैं। मिली जानकारी के मुताबिक महानिदेशालय 3 माह के लिए कॉल सेंटर संचालक कंपनी को नियुक्त करेगा। इस दौरान कोरोना के प्रतिदिन औसतन 1200 नए मामले आने पर 2/3 मरीज होम आइसोलेशन में रहने का अनुमान लगाया गया है। लिहाजा इन मरीजों की देखरेख व इलाज में 3 माह में करीब 2.5 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। कॉल सेंटर के कर्मचारियों को होम आइसोलेशन में रहने वाले हर मरीजों को प्रतिदिन कम से कम 1 बार उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेनी होगी। इस दौरान मरीज की बीमारी के लक्षण व ऑक्सीजन स्तर के बारे में जानकारी लेकर उनका रिकॉर्ड रखना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए PRST न्यूज़। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।